जितने भी हमारे कलाकार गण आए हैं, जितने भी हमारे प्रखंड के पंचायत के पदाधिकारी गण आए हैं, सक्रिय सदस्य गण आए हैं, सभी को मेरे तरफ से जमा जमा जोहार। मतलब आवाज ना ले आई तो नहीं खट्टा मड़ुआ खाए मार लगी हमने कहे कि राड सभ्यता के राड संस्कृति के राड माटी के राड वंश के राड लग लगी तो हमने आवाज भी एकदम राड के निकल चले। राड मतलब की राड मतलब जिद्दी, राड मतलब की राड मतलब खटवैया, राड मतलब की राड मतलब परिश्रमी, राड मतलब की लेबोरियस। हम राड लोग हैं, हम हड़गड़ हैं, हम गुदगर हैं, हम फिटगर हैं। तो जब गुदगर हैं, जब फिटगर हैं, तो एक बार आवाज जोर से आना चाहिए सबके जोहर जोहर। देखा आज 24 साल के झारखंड भाग गए, झारखंड बहुत ही दर्द शोषण पीड़ा झेल रहे हैं। हमारे निर्मलता का एक कथन था, हम उनकी वाणी से उनकी बातों से एक लाइन चंद लाइनों से उनकी बातों से हम शुरुआत करेंगे कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, बन सके तो जवाब रखना। सवाल बनकर फिर उठूंगा, बन सके तो जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए, मेरे खून के कथरे का हिसाब रखना। आप लोगों ने ताली बजा दिया, लेकिन कभी आपने सोचा तो निर्मलता का सवाल क्या था? सवाल यह था कि अगर हमारा झारखंड अलग होगा तो हमारे बाल बच्चों का अच्छा शिक्षा मिलेगा, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छा रोजगार मिलेगा, लेकिन 24 सालों के झारखंड में आज तक नहीं मिल पाया। और कहीं ना कहीं ये पूरा सिस्टम, शासन प्रशासन, नेता मंत्री विधायक, हर कोई दोषी है, हर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो इससे हमें मुक्ति कब मिलेगी? झारखंड तो 24 साल का हो गया, एक बच्चा भी जन्म लेता है तो 24 साल में जवान हो जाता है और जवानी के बाद उसका बुद्धि और विवेक आ जाता है। लेकिन झारखंड 24 साल होने के बाद भी हमें इतना तो बुद्धि आया और इतना विवेक आया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब जब चुनाव का टाइम आता है, हम लोग धोती साड़ी लुंगी गमछा 5 किलो चार और 1000 महिला सम्मान योजना में बिक जाए। इतना मैं ना भी कहो तो सरकार ला ले मैया सम्मान योजना। हर एक भाई, अगर मैया सम्मान योजना है तो पर भैया सम्मान योजना कहां है? अच्छा चल ठीक है, दूसरा बात भेजा, चल भैया लोग के सम्मान ना चले। अगर भैया लोग के सम्मान हम ना कहिए कि तो पैसा दी, लेकिन भैया लोग के तब से कर रोजगार तो दी, जब 5000-7000 जब बेरोजगारी भत्ता कर रहे हैं उठा तो कम से कम दी, पर आज तक ना दल के। अब बात करोगे मैया सम्मान योजना की, 1000 टका में मैया सम्मान योजना है? मैया सम्मान योजना है? अगर मैया सम्मान योजना है 1000 टका में है तो कहने से पूछो ये हेमंत सोरेन की सरकार से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से पूछना चाहते हैं कि दौड़ने से आपने कल्पना सोरेन जो आपकी वाइफ है, जो आपकी पत्नी है, जो आपको बहू है, उसको आपने वहां से विधायक बना दिया, ओकर सैलरी कते? ओकर सैलरी कते? 2,88,000 आने 3,00,000 और कोर बेटी छोड़ के कते? 1000 टका। ये मैया सम्मान योजना है? मैया सम्मान योजना तो अपने बहू के, अपन वाइफ के दल, अपने पत्नी के दल के मैया सम्मान योजना वो 3,00,000 वाटर है। अगर सही में मैया सम्मान योजना गलत दिए गए तो कोई दूसरा सोरेन के बना दस ली, कोई बुधनी सोरेन के बना दस ली, हमारा कोई आपत्ति ना ले। लेकिन अपन घर में के मैया सम्मान, अपन घर में के, अपन भौजी के विधायक, अपन कन्हैया के विधायक और 3,00,000 अपना सम्मान और हमने के कौन सी 1000 टका। तो 1000 टका बिकवेगी? अगर बिकवे तो 24 साल में झारखंड फिर उठ के खड़ा ना हो तो लड़े ले। एक बार तो होने के बाद मौका मिलल है लड़े खातिर तो मैया सम्मान योजना में ना बिके। और सही में अगर मैया सम्मान योजना देवे चाहे तो हम कोई हमारे बच्ची के लिए पढ़े के लिखे के लिए प्राथमिक स्कूल के शिक्षा बेहतर कर, माध्यमिक स्तर के शिक्षा बेहतर कर, हायर सेकेंडरी के जिसके एजुकेशन ठीक कर, तब जाएंगे वो मैया सम्मान योजना। आज हमारे बच्ची सब पढ़ लिख कर मैट्रिक भी सही से पास नहीं कर पा रहे। रामदयाल मुंडा इंस्टीट्यूट है रांची में, ओकर एगो कथन है, उन्होंने एक सर्वे रिपोर्ट जारी किया, कहा कि झारखंड के बच्चियां जो आदिवासी बच्चियां जो सरकार कहती है कि आदिवासियों की सरकार है, वो कहती है, उसका रिपोर्ट कहता है कि झारखंड के 16% ही आदिवासी मैट्रिक पास कर पाते हैं और उसमें से बच्चियां जो है
जो है वो मात्र 9% ही मैट्रिक पास कर पाती है। वो 9% से बढ़ाकर 90% कीजिए तब मैया सम्मान योजना होगा। हमारे बच्चों को 90% कीजिए तब मैया सम्मान योजना होगा। आप मैया सम्मान योजना की बात करते हैं, आज हमारे यहाँ हाई स्कूल टीचर के वैकेंसी भले बिहार से, गुजरात से, यूपी से, बंगाल से, महिला सबको उठा के लाल लिया 70,000 के नौकरी दिल कहते हैं महीना 70,000 टका वो नौकरी दे देता बाहर वाला के और तो रहता 1,000 टका मैया सामान्य ना पानी खुश तो इतना बदलाव करे हो तो इतना बहके ना हो तो तुमने अब कहे हमने को मसीहा ना लगियो को सौखा ना लगियो कि लानबो लौटनी मारबो मत्तर और सब ठीक भैया तो ऐसा ना भेल ला सबसे पहले तोहनी परिवर्तन करे हो तोहनी बदलाव करे हो आज तोहनी परिवर्तन आज हमने की आवाज से हमने विचारधारा से तोहनी जागल है। बिना पेट्रोल के, बिना दारू के, बिना खस्ती के, बिना मुर्गा के, बिना लूगी के, बिना धोती के, बिना साड़ी के तोहनी यहाँ पर जुटल है। तो बिना धोती, बिना साड़ी, बिना लूगी, बिना तेल, बिना पेट्रोल, बिना दारू के वोट दी है तबे जाके झारखंड में बदलाव है। हमें नहीं कहियो तो जितना वोट दिए मन का तो बता दिए कोई दिक्कत ना है। जरूरी ना है कि मोतीलाल महतो के वोट दे, जरूरी ना है कि जयराम महतो के वोट दे, जरूरी ना है कि हम इस पार्टी के ही वोट दे। तो जकर दिए मन कर तो वोट दे दिए लेकिन वोट के तौर पर करिए इतना तो जानना जरूरी है। वोट करिए तो स्वास्थ्य पे, वोट करिए तो अपने बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई पर, वोट करिए अपने बाल बच्चा के तो इलाज पानी पर, वोट करिए तो अपने बाल बच्चा के रोजगार पर, तब जाके झारखंड में बदलाव होते। हमने के बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जब वोटवा आवो है तखन हमने दारू मुर्गा में जाके वोट दे दो, एक पार्ट दबा लेते जाके वोट दे दो। अगर जब चुनाव खत्म हुई तो तखन कहते हमारे बेटवा बेटिया पढ़िए रहे, हमारे बेटवा बेटे के इलाज भैये रहे, हमारे बेटवा बेटे के नौकरी लागिए रहे, तो नौकरी कहाँ से लागते। जगह वोटवा दिए पारी अलो तखन 500 टकवा में दिली नौकरी, तो 500 टकवा खातिर वोटवा दिली तो 500 टकवा मिल लो। मैया सम्मान योजना खातिर वोटवा दिली तो मैया सम्मान योजना मिल लो। 5 किलो चोरा खातिर वोटवा दिली तो 5 किलो चोरा मिल लो। 50 टका सरिया खातिर वोटवा दिली तो 50 टका सरिया मिल लो। तोटा खातिर वोट ना करना नहीं तो वह टाइम मिलते रहते। इसलिए अभी फिर से कर रही तो लेके गांठ बांध लिए, अभी जकरा भी वोट करना हो वोट ओकरा करना हो कि तो बाल बच्चा के लेके हक अधिकार के बात कर रहे हो, के तो बाल बच्चा के लिए रोजी रोटी के बात कर रहे हो, के तो बाल बच्चा के लिए इलाज पानी के बात कर रहे हो, तो ओकरा करना है तुम्हें जाके झारखंड में बदलाव। आई देखा झारखंड के कितना बड़ा दुर्भाग्य है। शास्त्र भी तो है कि विद्या देती विनयम, विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आता है, पात्रता से हमें नौकरी मिलती है, नौकरी से हमें धन आता है, धन से हमें धर्म यानी सुख की प्राप्ति होता है। मतलब शास्त्र भी यही कहता है कि पहले विद्या। लेकिन ये लोग मैं चाहो हूँ कि तोर बाल बच्चा पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन हमने झारखंड के दर्द देख लिये, झारखंड के जुल्म शोषण अत्याचार के देख लिये, तो कहने से हमने वोट दिए नहीं दिए लेकिन कहने से वो गुजारिश रहते, एक निवेदन रहते, एक विनती रहते, नेहर करबो वोट मांगबो, चाहे 1 साल खाए ना हो तो भूखे रहिए, अगर सुते ना हो तो घूमम सुतिए, अगर पहने ना हो तो बोरा पहन के रहिए, चाहे कीमत जे भी हो अपन बाल बच्चा के जरूर पढ़ाइए तबे जाके अपने परिवर्तन कर पाओ। इधर कोई गांठ बन रही है, कोई भी नेता मंत्री को नहीं कहता कि तो अपन बाल बच्चा के पढ़ा लिखा से, लेकिन हमने चाहो यो कि तुम अपन बाल बच्चा के पढ़ावा लिखा, कहे कि तुम बाल बच्चा अगर चलान गई तो होशियार हो जो तो नेता मंत्री से सवाल पूछे लगते कि तोरा हम चुन के भेज लियो, तो हमारे लिए कहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था कर ले, कहाँ तो हमारे लिए मास्टर की व्यवस्था कर ले, कहाँ तो हमारे रोजगार की व्यवस्था कर ले। इसलिए पढ़े लिखे ना देते, इसलिए कहने की कीमत ये भी हो वोट ना दिए मन करता नहीं दिए लेकिन अपने बाल बच्चा के जरूर पढ़े। और कहने से एक और विनती रहते, निवेदन रहते दादा सबसे कि दादा अबरी एक पार्ट में बीक नहीं दी है, अबरी एक पार्ट में बीक नहीं दी है, नेता वेता ने एक पार्ट में बीक ले तो साथ में झारखंड भी बिगाड़ झारखंड के दुर्दशा के देखा हमने पर 40% खनिज और मैं 42% अगर सोना के झारखंड है तो 40% खनिज होते हुए 42% गरीबी का है, तो इनसे सवाल पूछना चाहूंगी। ये है हम सरकार के सरकार वाले, जब सरकार आई तखन कहले कि हम आएंगे तो सबसे पहले 1932 का खतियान लेंगे। अरे तो कहां गेलो 1932 के खतियान कहां गेलो। यह सरकार कहते हैं के हमारे जेठी काकी समान
मंत्री है, ओकरे सरकार है, और पूर्णिम में जो खड़ा हुआ है ओकरे सरकार है, मथुरादक के सरकार है। लेकिन अखनी मुहास कभी सुन ले की जाके फैसले 1932 का क्या लागू करा, कभी अखनी मुहास सुन ले की नियोजन नीति लागू करा। इस सरकार का 5 लाख नौकरी देंगे, अरे हम डाटा निकाल के दो, कार्मिक विभाग का डाटा दो, सरकार का डाटा दो, पूरा 5 साल का कार्यकाल में मात्र 15,000 नौकरी दे, 15,000। अगर एक घर बैठ में तोहनी से सवाल पूछो, ये तोहनी पंचायत में तोहनी के बताओ कि एक अभी घर में पूरा पंचायत में तक एक सरकारी नौकरी लाग लो 5 साल में। अच्छा एक भी डॉक्टर के व्यवस्था भला तो हॉस्पिटल में, अच्छा एक भी सरकारी मास्टर ना लग लो, एक भी सरकारी मास्टर ना भलो, एक भी तोर नौकरी ना लग लो, एक भी तो रोजगार ना भलो, तो तोहने भटवा किल दो है ओकर बाल बच्चा के पढ़वे खातिर, ओकर बाल बच्चा के बढ़वे खातिर, ओकरे झंडा ढोवे खातिर, गुलामी करे खातिर कोनी जिंदा लेले जन्म लेले ना लेले है तो बदलाव करा। आई देखा नेतवा वोट दल है ओकर बेटवा कल दिन चलो लो पंची में स्कूटर में, आज चले लगा दूसरा टर्न में चले लगा स्कॉर्पियो में, और अभी चले लगा फॉर्चूनर में, अभी पता ना अभी जीता जाने से चले लगा हेलीकॉप्टर में। तो उल्टा नहीं करना है, नेता बेटा नेता, राजा बेटा राजा, और प्रजा बेटा घास का, प्रजा बेटा घास का था। अगर ना चाहो है तो तोहनी बदलाव करे हो तो इस बार जयराम महतो मोतीलाल महतो प्रणव मसीहाना। हमने बाल बच्चा की दुर्भाग्य हो कि पढ़े लिखे ना पाते और अपने चाहो भी ना कि नेता मंत्री के, नेता मंत्री के अगर बाल बच्चा पढ़े कहे कि तोर बाल बच्चा जितना अनपढ़ रहते हो, कुक पढ़ रहते हो, अशिक्षित रहते हो, उतना ओकरा झंडा ढोवे में आसानी होते, उतना ओकरा गुलामी करे में आसानी होते। आज की हो जब चुनाव के टाइम आवो तखन हमारे दादा सब की करे थो स्कॉर्पियो अगला सीट पर बैठ के कहते हो फल्ला पार्टी जिंदाबाद, थकना पार्टी जिंदाबाद, हरा पार्टी जिंदाबाद, लाल पार्टी जिंदाबाद, और जब चुनाव खत्म हो जाता तखन अरे दुर्भाग्य, अरे पापा ये खातिर झंडा ना ढोइए, आप कहवे के ऊपर पार्टी छोड़ा से जरा मतो मोतीलाल मतो झंडा ढोवे, नहीं ना ढोवे, नहीं ना ना, हम भी झंडा ना ढोवे, हम भी जे कारण ना लगे हम भी गुलामी करे जरूरत ना। अगर तोहनी के हमने विचारधारा सही लागो, तोहनी लागो हो कि तोहनी बाल बच्चा के लिए, तोहनी के भविष्य के लिए अगर हम बात कर रहे हो तो हमारे साथ है। जिस दिन लागो कि हमने विचारधारा मर गए, हमने नीति सिद्धांत सही ना हो, उस दिन हमने छोड़ दिया, हम खुद कह रहे हो लेकिन गुलामी ना करिए, गुलामी ना करिए। आज देखा झंडा ढोते 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 कहीं ना अपने कमर में टूट जाओ, लेकिन नेताओं को बेटा राजद में आए कैसे। आज देखा पूरा झारखंड की शिक्षा व्यवस्था कितना खराब है, आज जहां सरकार के 30-35 बच्चा में एक मास्टर की व्यवस्था करे चाहे वहां 300-400 बच्चा पे एक मास्टर, तो बाल बच्चा कहां से पढ़े, तो बाल बच्चा की तो स्कूल खिचड़ी खा के घर आई तो खुश है कि हमारे बेटा पढ़ाई जा रहा है, चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो सरकार के बाप के की जाओ, लेकिन तो बाप के जाओ कहे कि तुम भविष्य में बनता, लेकिन हमने मान लो है। अरे एक बात तो नहीं पूछिए, अगर एक दिन में 5 रुपए के बिस्कुट लोहे में तो घर में सीधे सीधे 1 रुपए का टैक्स भरो, एक दिन में 8 रुपए के पैकेट बिस्कुट मिल जाए, यानी 8 रुपया हम सरकार के दे दो, कही ने कि सरकार के जगह चुन के भेज लिये वो हमारे लिए अच्छी शिक्षा के बात करे, अच्छा स्वास्थ्य के बात करे, अच्छा रोजगार के बात करे, लेकिन आज तक इतना कोई नहीं खोली कोने से वादा करे। स्वास्थ्य भी वही हाल हो, ये सामने हॉस्पिटल हो, हॉस्पिटल में जाके स्थिति देख लो, हॉस्पिटल की स्थिति देख के देख लो, ये दोस्त यहाँ के डॉक्टर के ना है, यहाँ के नर्स के दोस्त ना है, दोस्त सीधा सीधे सरकार के जगह तो चुन के भेज ले, तो ओकरे बदले के जरूरत हो, ओकरा बदले के जरूरत हो, ओकरा परिवर्तन करे के जरूरत हो, नहीं तो हमने 3 साल से भूत रह लियो और 5 साल तक भूतते रह लियो। इसलिए अभी अभी पानी के चुकना ना है, वो जहां देखे कैसी छाप वही बटन दबाना है, जहां देखे कैसी छाप तो कैसी छाप आप कर लिए, यह कैसी छाप है आप पानी के एक बात आर कर दे कि अगर कोने चाहे कि हमने 5 किलो चोरा दियो तो ना दबो, अगर फटलता सड़िया मांगे 50% तो हमने ना दबो, अगर मैया सम्मान योजना चाहे तो हमने ना दबो, लेकिन कोने से एक वादा करके जाइयो जे हमने विचारधारा लेके चल रही 1932 के खतियान स्थानीय नीति नियोजन नीति विस्थापन नीति खनन नीति, अगर तुमने एक बार मौका दल है और हमने जयराम महतो के नेतृत्व में अगर एक बार सरकार बनाइए तो वादा करके जाए तुम्हें बाल बच्चा के लिए व्यवस्था जरूर कर दो, तुम्हें गांठ मांगे व्यवस्था जरूर कर दो, ये तो अपना भीड़ बेकार चंद लाइन है कि
क्या फर्क पड़ता है इस देश में राजा कौरव हो या पांडव, क्या फर्क पड़ता है इस देश में राजा कौरव हो या पांडव, जनता तो बेचारी द्रौपदी है। अगर कौरव राजा हुए तो चिरहरण के काम आएगी, अगर पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी। आज जेएमएम की सरकार कभी बनो, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी आसपास की सरकार बनो, एक तरफ कौरव एक तरफ पांडव, तो अनेक केवल लूटे के काम बोलो, केवल लूटे के काम बोलो। ये अभी तक अभी 24 साल के शासन में विकल्प कोनी पास ना आए, लेकिन अभी कोनी हाथ में विकल्प हो, कोनी हाथ में विकल्प हो, अभी चुने के काम करो तभी जाके बदलाव है। आज ज्यादातर हमने के युवा पीढ़ी बेरोजगार है। 2019 के बाद बतवाइए, 2019 में हम पढ़े लिखे बड़े छात्र लगे, हमारा नाम मोतीलाल महतो, अभी वर्तमान में टूडी विधानसभा प्रत्याशी है, हम खुद जेपीएससी के स्टूडेंट रह गए, जेपीएससी जगह से वीडियो सीओ बनो थे, हम खुद रह लिये, हम दर्द के जानो ये। जब 2019 रहे तखन 12% बेरोजगारी दर है, अभी बढ़कर 18% हो मिले, 18% आने 3.5 करोड़ की आबादी, 3.5 करोड़ के निकालबे तो 60 लाख आबादी, 60 लाख आबादी बेरोजगार, अगर मैं युवा पीढ़ी निकालबे तो 25 से 30 लाख, जब 25 से 30 लाख नहीं माना, 10 लाख का रजिस्ट्रेशन सरकार ने वह का तो कम से कम दे दा। तो हमारे दादा है अपने कह के